तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 90 के दशक के बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन खूबसूरत जोड़ियों में से एक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की। बच्चन जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, एक प्रमुख भारतीय फिल्म अभिनेता हैं। इन्होंने अपनी अभिनय करियर की शुरुआत सात सिनेमा में 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी के साथ की थी। उन्होंने फिल्म शोले, दीवार, मिली, अग्निपथ और कभी खुशी कभी गम जैसी महत्वपूर्ण फिल्मों में अपनी माहिर दिखाई है। उन्होंने अपने कैरियर में अनगिनत पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए हैं, जिनमें 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है। उनके कैरियर के बाद वे भारतीय टेलीविज़न पर प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने कई सीजन तक होने वाले रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति को मुख्यमंत्री को होस्ट के रूप में प्रस्तुत किया। अब हम बात करने वाले हैं जया बच्चन की। तो जया बच्चन का जन्म 9 अप्रैल 1948 को महाराष्ट्र के बेंगलुरु में हुआ था। भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। उन्होंने फिल्म की दुनिया में अपने उत्कृष्ट अभिनय से अपनी पहचान बनाई है। जया बच्चन ने सिनेमा में अपनी कैरियर की शुरुआत 1963 में फिल्म महानगर के साथ की थी। उन्होंने फिल्मों में विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को निभाया है और अपने प्रतिभा से दर्शक को मन मोह लिया है। उन्होंने अपनी कैरियर में कई पुरस्कार भी जीते हैं, जिनमें 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है। उन्होंने अपने करियर अभिनय के साथ साथ अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी पहचानी जाती हैं। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की प्यार की कहानी बॉलीवुड के सबसे प्रमुख और प्रिय जोड़ियों में से एक है। इनकी प्रेम कहानी एक फिल्मी तार के और एक उपनाम की भावनाओं और संघर्षों से भरपूर है। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की मुलाकात फिल्मी करियर के दौरान हुई। उनकी पहली मुलाकात प्रमुख फिल्म मेकर प्रकाश मेहरा के सेट पर हुई थी, जहां अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म सातबू आरंभ की शूटिंग के दौरान मोहब्बत में पड़ गए। जया बच्चन के बारे में यह जानकारी होना आवश्यक है कि उन्होंने पहले से ही अमिताभ बच्चन से परिचय था, क्योंकि वे दिलीप कुमार के साथ काम कर रहे थे और अमिताभ बच्चन उनके संघर्षों के साक्षी बन गए थे। अमिताभ बच्चन की करियर की शुरुआत में उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ा और उनकी कई फिल्में फ्लॉप हो गई। इस दौरान वे बहुत ही मशक्कतों में थे और उनकी कैरियर की दिशा उचित नहीं जा रही थी। लेकिन कुछ सालों के बाद जब अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर रिलीज हुई तो उनकी सफलता ने उनकी कैरियर को एक नई दिशा दी। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्में की और उनकी मान्यता बढ़ती चली गई। जब अमिताभ बच्चन की कैरियर उच्चालन पर थी, उनकी मुलाकात जया भादुरी से हुई। जया भादुरी खुद एक प्रमुख अभिनेत्री थी और उन्होंने भी अपने कैरियर की साक्षात्कारों का सामना किया था। दोनों की मुलाकात की उन्होंने प्रकाश मेहरा के सेट पर और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। उनके बीच की साक्षी मुसीबतें और संघर्ष उनके प्यार को मजबूती से बांधने में मदद करने लगे। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का प्यार डिंटल विवाह में कुछ सालों बाद शादी के रूप में प्रमाणित हुआ। उनके प्यार ने उन्होंने कई कठिन सहारों का सहारा दिया और उनके जीवन में नई ऊंचा और उत्साह भर दिया। अमिताभ और जया की प्यार भरी कहानी बॉलीवुड के एक अद्वितीय कहानी है। शादी 3 जून 1973 को हुई थी और तब से उनकी दोनों की दिलचस्प प्यार की कहानी और भी अधिक रोशनी में आ गई। उनके दोनों बॉलीवुड में एक कई फिल्मों में काम किया और अपने साथीपन को सबको सामने प्रदर्शित किया। इस तरीके से अमिताभ और जया बच्चन की प्यार भरी कहानी ने उनको प्रशंसकों के लिए दिल में एक खास स्थान बना लिया और उनकी एक दूसरे के प्रति मोहब्बत का सबूत दिया। इन दोनों की जोड़ी ने फिल्मी करियर के साथ साथ राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है। अमिताभ बच्चन साल 1984 में नामकरण घटना के बाद समाज की सेवा के लिए पूरे दिल्ली में यात्रा की थी। उन्होंने सिर्फ फिल्मों में काम करने के बजाय राजनीति में भी अपनी करियर योग्यता दिखाई और बीते कुछ दशकों में वे भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से 2014 में लोकसभा चुनाव से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में प्रतिष्ठित सीट श्रीनाथ जी पर जीत हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने लोकसभा में सदस्य के रूप में भाग लिया और राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार रखे।
वहीं बात करें जया बच्चन की, तो जया बच्चन एक प्रमुख अभिनेत्री के साथ साथ राजनीतिक कैरियर में भी उनका अहम मुद्दा है। जया बच्चन ने समाज सेवा के क्षेत्र में भी योगदान दिया है और उन्होंने महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ उठाई है। उन्होंने विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम से भाग लिया है, एक सक्रिय राजनीतिक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त की है। इसी तरह अमिताभ बच्चन और जया बच्चन दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ राजनीतिक में भी अपने योगदान और महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं।